लॉकडाउन जब से चालू हुआ उसके बाद से समाज सेवी तरह तरह का नाश्ता, सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और राहगीरों को दे रहे थे, लेकिन खूब चर्चा तो उनके रसोई किचन की हुई। यह बैन लेकर निकल पड़े और उसमें पाव भाजी ताजी ताजी बनाकर चट्टी चौराहों पर और सुरक्षा में लगे लोगों तक ताज़ा ताज़ा नाश्ता देने का कार्य किया, जिस नाश्ते को खाने के बाद लोग खूब तारीफ किए और यहाँ तक कि इस कदर समाजसेवी लोगों के दिल में बस गए कि डेली प्रतिदिन लोगों को उनके नाश्ते का इंतज़ार रहता था कि अब टाइम हो चुकी है और नाश्ता लेकर लोग आने ही वाले होंगे। यहाँ तक कि रिक्शा चालक, राहगीर जो भी मिलता था सबको नाश्ता मुहैया कराते थे। वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद हैं। ऐसे में हमारे कर्मवीर सिपाही जो जवान हैं, ये सारे सफाई कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सारे लोग हम लोग की सुरक्षा में लगे हैं। रात दिन ड्यूटी देते हुए ये लोग मलिन बस्ती में जा करके, गांव घर जा करके गरीब असहायों में ये राशन भी बांट रहे हैं लोग, राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। ऐसे में इनको कोई ध्यान देना नहीं था। अब मार्केट में बंद होने की वजह से मार्केट इनको कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में हम लोग इनके प्रति सोचे और इनके साथ हम लोग इनके सहयोग में लग गए। आप बताए हर दिन नया आइटम बदल कर लाते हैं। नया आइटम है तो गर्म होगा तभी अच्छा लगेगा, गर्म और ताज़ा ताज़ा के साथ साथ गर्म हो तभी अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग साथ में किचन लेकर चलते। हमारा 14 अप्रैल तक चलेगा, 14 कल तक हमारा चलेगा, कल के बाद फिर हम लोग देखा जाएगा जैसी स्थिति होगी विचार करके जो सहयोग हम किया जाएगा। संजय जी देखा जाए बजट भी है तो ऐसे में मतलब कहाँ से अरे बजट तो मान लीजिए हमारा भी अपना खर्च है, लेकिन अपना खर्च बचा करके और साथ ही हमारे साथ हमारी टीम भी लगे हुए अपने सारी और तो मेहनत कर रहे हैं लोग, और बाकी सब हम घर से अपना पैसा लगाते हैं, फाकेट फाकेट लगाते हैं, घर के लोग भी हमारा सहयोग करते हैं ऐसे काम में। तो ऐसे में प्रेरणा लेना चाहिए इसमें, तो हर व्यक्ति जो समाज सेवी हो चाहे जो समाज में चलता हो अपने शक्ति अनुसार उनको काम करना चाहिए, और गरीबों असहायों में और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, इनके बीच आ करके कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए, इनके साथ कदम से कदम मिला कर चलना चाहिए। बात कर रहे हैं पूर्व सभासद व समाज सेवी संजय सिंह की, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों को बदल बदल कर नाश्ता देने का कार्य किए। उनकी सोच थी कि जो हमारी सुरक्षा में लगा है, मलिन बस्तियों में जा रहा है, लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद कर रहा है, आखिर उसकी मदद कौन करेगा? उसके पॉकेट में पैसा तो है लेकिन दुकानें बंद हैं, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक अलग ही अंदाज में संजय सिंह ने सबको सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, नगर पालिका के कर्मचारियों को नाश्ता पहुंचाने के साथ साथ जो अपात्र है उनको भी नाश्ता दिए, पात्रों को भी नाश्ता दिए, यहाँ तक कि जिसके घर चूल्हा बुझा था उसका चूल्हा जलाने का भी कार्य किए। इनके इस कार्य की सराहना देखिए लोग कैसे कर रहे हैं। इस तरह के कदम को क्या कहेंगे, सराहनीय? ऐसे में पूरा मार्केट बंद है, नाश्ता कैसे करते हैं आप लोग? संजय भैया है, डेली बदल बदल के हम लोग को नाश्ता कराते हैं, मार्केट में कुछ मिल नहीं रहा है, पैसा रहते हुए भी हम लोग कुछ नहीं ले पाते, लेकिन उनके वजह से हम लोग को डेली नाश्ता मिलता है। आप यहाँ पे लगातार कितने दिनों से ड्यूटी पे हैं? हम लोग लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग नहीं सकते। तो क्या आप लोग के ऐसे स्वादिष्ट नाश्ते का इंतजार रहता है? संजय जी जो लेके आते हैं ये नाश्ता कराते हैं, इंतजार तो रहता है। सुना आपने उनके नाश्ते की तारीफ, कैसे लोग कर रहे हैं और कैसे इंतजार रहता है। और इतना ही नहीं, संजय सिंह ने अन्य लोगों से भी अपील किया कि जो भी समाज के बारे में थोड़ा भी सोचता है या समाज सेवी है उसे कुछ न कुछ इस महामारी में मदद करनी चाहिए, ताकि
जो हमारे लिए सुरक्षा में लगाए गए हैं उनका हौसला बुलंद रहे और हमारी सुरक्षा का भली भांति देखभाल करें। ऐसे लोगों को मदद की आवश्यकता है। यहाँ तक कि राह में फंसे लोग आखिर कहाँ पाएंगे कुछ, उन्हें भी मदद करना चाहिए ताकि वह अपने घर तक सुरक्षित पहुँच जाएं। जब सुरक्षित पहुँचेंगे तभी कोरोना से लड़ पाएंगे। कोरोना से बचने का एक ही रास्ता है, मात्र बचाओ। घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी कोरोना जैसी महामारी वाली बीमारी से बच सकते हैं। नहीं तो घर से बाहर निकलेंगे इसका शिकार आप तो होंगे ही, आपके साथ साथ पूरा परिवार हो जाएगा। संजय सिंह की टीम के लोग भी काफ़ी सराहनीयपूर्ण काम कर रहे हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं। लगातार 15वें दिन संजय सिंह ने पाव भाजी खिलाकर सबको खुश कर दिया। ऐसे समाजसेवी को लोग हमेशा ही याद करेंगे। शशिकांत, तहलका न्यूज़, गाजीपुर।